हेलो भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी लेके आ जा फटाफट। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे वोट दे दो। अरे भैया, वोट नहीं, चिकन बिरयानी चाहिए। चिकन बिरयानी नहीं, मुझे वोट चाहिए। अरे बेटा, कोई भिखारी आया हुआ, देखो ना, भेज दे दो। अरे आप पैर क्यों पकड़ रहे मेरे? उठी उठी ऊपर, उठी उठी उठी, क्यों पैर पकड़ के? अरे भैया जी, मैं तो क्या बोली भैया? अरे जानू, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं आपसे भीख मांगने नहीं, वोट मांगने आई हूँ जानू। अच्छा जानू, प्लीज आप मुझे वोट दे दो ना, प्लीज। मैं क्यों वोट दूँ? हर चीज महंगा हो गया है। बस आप मुझे वोट दे दो, मैं हर चीज सस्ता कर दूंगी। सब नेता लोग यही बोलते हैं, फिर बाद में पलटी मार लेते हैं। जानू, आप मुझे एक मौका दो। जानू, एक बार मेरा विश्वास तो कर लो आप। आप एक बार मुझे वोट दे दो, मैं सब चीज सस्ता कर दूंगी, यहाँ तक कि मैं भजिया का दाम भी सस्ता कर दूंगी। मतलब आलू भजिया, प्याज भजिया, बैंगनी, मैं सारे भजिए का दाम सस्ता कर दूंगी। जानू प्लीज, मुझे एक बार वोट दे दो ना, प्लीज। अरे रुके 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 रुके, अरे भजिया कौन खाता है? भजिया खाने से आइसक्रीम क्यों हो जाता है? आप कौन है? अरे ये कहाँ गया? अरे नीचे देखो, नीचे नीचे। अरे अरे मेरे भाई, मेरे मित्र, आप मुझे वोट दे दीजिए। अब उठी तो सही पहले। मैं चाय मार्का में खड़ा हूँ, इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। आप प्लीज इस बार मेरे को वोट दे के जीता दीजिए। नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम लोगों ने चाय का दाम बहुत बढ़ा दिया। पहले एक चाय 2 रुपए में आता था, और अभी एक चाय 10 रुपया। बाप रे बाप, अभी तो 10 रुपये और लगाएंगे तो फिर पेट भर का तो खाना मिल जाएगा मेरे को, तो मैं क्यों वोट दूँ आपको? देखिए सर, आप मेरे को इस बार वोट दे के जीता दीजिए। मैं चाय का दाम इतना कम कर दूंगा कि एक चाय 1 रुपया में मिल जाएगा। मैं तुमको विश्वास कैसे करूँ? खड़ा है खड़ा है खड़ा है। थोड़ा साइड में चलिए ना। क्यों? अरे सर, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा साइड में चलिए ना। सर, आप मेरे को इस बार इलेक्शन में जीता दीजिए, ठीक है? जीतने के बाद मैं चाय का दाम तो कम कर दूंगा, और मैं आपको जीतने के बाद 5 लाख रुपया का कैश दूंगा। तुम तो इससे पहले भी बोले थे 5 लाख दूंगा, दिया तो कैसे विश्वास करूं तुम पे? विश्वास कीजिए सर, आपका फायदा है। देखो चाय वाला नेता, मैं तो विश्वास किया था, अब तुम विश्वास करो। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जो तुम पैसा जीतने के बाद देने वाले थे वो अभी दे दो। अगर तुम हार गए तो फिर मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो फिर निकल जाओ, मैं तो भजिया मार्का में ही वोट दूंगा। ओके, इसमें 1 लाख का चेक, ठीक है, ले लीजिए, अब रखिए। 1 लाख? हाँ ठीक है, जाइए, आपको वोट मिल जाएगा। ये देखो, ये क्या है पता है? 2 लाख का चेक चाय वाला नेता दिया है वोट देने के लिए। मैं आपको क्यों दूं फ्री में वोट?
तो मैं तो फिर उसी को वोट दूंगा। जानू पर आप वोट मुझे ही देना, अगर एक बार मैं जीत गई तो सच्ची में मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगी। सब नेता तो एक ही बात बोलते हैं, बाद में तब पलटी मार लेते हैं। जानू मेरा विश्वास करो आप, मैं सच बोल रही हूँ, मैं अगर जीत गई ना तो सच्ची में मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगी। मैं तो विश्वास कर चुका हूँ, अब तुम मुझ पे विश्वास करो। क्या मैं समझी नहीं? मतलब जो पैसे आप बाद में देने वाले हो वो अभी दे दो। और अगर मैं हार गई तो फिर मैं तुमको पैसे रिटर्न कर दूंगा। पर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? ओ तो अच्छा, मतलब कि मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ और तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकती। ठीक है फिर जाइए, मैं तो चाय वाला को ही वोट दूंगा। अरे जानू पहले आप एक बार सुनिए तो सही, आप गुस्सा कर रहे हो। ये लो ये रहा ये 4 लाख का चेक, और अगर मैं जीत गई ना तो आपको इससे भी ज्यादा दूंगी। ठीक है, वोट तो मैं आप ही को दूंगा। चाय वाला जिंदाबाद। अरे रुकिए रुकिए, मेरा चाय मार का नहीं है। ओहो तो फिर क्या है आपका? मेरा भजिया मार का है। ओह सॉरी सॉरी, तो भजिया मार का जिंदाबाद, भजिया मार का जिंदाबाद, भजिया मार का जिंदाबाद। तो इस बार वोट तो मुझे ही मिलना है, इतने पैसे जो खर्च किए हैं, तो भजिया मार का जिंदाबाद।